काम शुरू कर सकें। कल हम उपचार के नियम देख रहे थे, तो वो उपचार के नियम लगभग लगभग लास्ट टॉपिक ही रहते हैं यार। जब हम बीमार हो जाते हैं तो कुटुंब के सदस्य क्या करते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि आप कुछ कमरे कुछ समय सोने के बाद अच्छा क्यों अनुभव करते हैं? उपचार में दवाइयों का उपयोग क्यों करते हैं? ये क्या पढ़ रहा है अपन? उपचार के नियम पढ़ रहे हैं। तो उपचार के नियम मतलब कि हम यदि बीमार हो जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके कुछ नियम अपनाने चाहिए। तो इन सवालों के आंसर आपको भी पता होंगे। जब हम बीमार हो जाते हैं तो क्या परिवार के सदस्य कुछ चेंज लाते हैं? उनकी रूटीन में कुछ चेंज आता है? तो आप देखोगे बिल्कुल, यदि आपको टाइफाइड हो जाता है तो मम्मी कोशिश करती है कि आपके कपड़े लगातार धुले। आप जिस बिस्तर पर सो रहे हो वो कपड़े लगातार धुलते जाए, है ना। अगर आप छींक हो तो आपके पास रुमाल हो, आपकी तौलिया अलग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो परिवार की डेली लाइफ में रूटीन में परिवर्तन परिवर्तन तो आता है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि आपने कभी सोचा है कि आप कुछ समय सोने के बाद अच्छा क्यों अनुभव करते हो? मतलब यदि हम सो जाते हैं कुछ टाइम उसके बाद कभी जैसे आपको टेंशन हो रही है, सर दर्द हो रहा है, तो सोने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। उसका उसका मतलब क्या है? हमारी बॉडी जो है वो उसके अंग लगातार काम कर रहे होते हैं। हमारी जो मानव मतलब शरीर है हमारा बहुत सारे अंगों से मिलकर बना हुआ है और डेली लाइफ में वो अंग लगातार काम कर रहे होते हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण अंग है हमारा मस्तिष्क, है ना। हमारा ब्रेन जो है वो पूरे अंगों को कोऑर्डिनेट करके रखा हुआ है, सभी को नियंत्रित करके रखा हुआ है। जब दिन भर हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, हमारे अंगों को नियंत्रित करते रहते हैं, शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते रहते हैं, तो ये ब्रेन जो है वो धीरे धीरे जो है वो उसके काम करने की लिमिट जो है वो खत्म होने लगती है, या फिर वो थकना जिसको बोलते हैं ना अपन, ब्रेन जो है वो काम नहीं कर रहा होता। उसके लिए क्या होता है? फिर हमको नींद लेना जरूरी होती है। हम जब सो जाते हैं तो हमारा ब्रेन पर लोड कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी एक्टिविटीज कम हो गई। सबसे मेन एक्टिविटी आपकी आंख और कान, ये जो ज्ञानेंद्रिया है ना, ये लगातार काम कर रही होती है। आपके कान है, आप मान लो आपके कान है, लेकिन आपको वो महसूस नहीं होता कि कान सुनने का काम भी कर रहे हैं। वो 9th क्लास में आप सीखोगे सीखोगे, अभी अगले चैप्टर में आएगा, 10 या 11 चैप्टर में आएगा कि हमारा कान कैसे काम करता है। लेकिन हम इस बात पे तो ध्यान ही नहीं देते हैं कि जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपका बोले आपका मस्तिष्क काम कर रहा है, तो आप बोलोगे मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ तो मेरे हाथ काम कर रहे हैं, पैर काम कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो मेरा मुंह काम कर रहा है, बस यही काम चल रहा है। नहीं, इसके बैकग्राउंड में भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। आंखों से देखने का काम लगातार चल रहा होता है ना, और लगातार आप चीजों को देख रहे होते, तो चीजों को देखने में कौन काम, मस्तिष्क बिल्कुल हद तक काम कर रहा है। अगर आप मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा तो आंखों से दिखेगा ही नहीं आपको, है ना। कान से सुन रहे हो, नाक से सूंघ रहे हो, खुशबू आ रही है आपको, स्वाद ले रहे हो आप, ये सारे काम चलते रहते हैं बैकग्राउंड में। और ये तो हमको दिख रहे हैं, जो अंदर चल रहे हैं, हार्ट बीट होना, फेफड़ों का फड़फड़ाना, फेफड़े फड़फड़ाना मतलब कि फेफड़े जो है वो फैलना और सिकुड़ना, फड़फड़ाना तो मतलब फड़फड़ा ऐसा 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 हो जाता है, ऐसे ऐसे नहीं होते, लेकिन हाँ फैलना और सिकुड़ना जिस कारण से हवा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाती है, वो सारी चीजें चलती रहती है। हमारे जो हम भी भोजन खाया हुआ रहता है उसका पाचन लगातार चलता रहता है, लगातार होती रहती है वो प्रोसेस। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता रहता है, तो हमारा माइंड लगातार बहुत काम करता रहता है ऑलरेडी। कुछ रात में सोते समय जब हम सो रहे होते हैं तो ये कुछ काम जो है वो कुछ तो बंद ही हो जाते हैं और कुछ स्लो हो जाते हैं। कुछ बंद कैसे हो जाते हैं? जैसे हमारा आँख का काम जो है वो बंद हो जाता है, हम जो है वो देख नहीं रहे होते, तो हमको बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलता है, हमारी ऊर्जा जो आँख में लग रही थी वो बच जाती है। फिर उसके बाद जो हमारा जब आप सो जाते हो तो सुनाई भी नहीं देता, जाहिर सी बात है, कान भी उस दौरान जो है वो बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो हम मुंह नहीं चला रहे होते हैं, बोल नहीं रहे होते, बात नहीं कर रहे होते, तो एक काम वो कम हो जाता है। हाथ पैर नहीं चल रहे होते हैं, स्थिर रहते हैं, एक एनर्जी वो कम हो जाती है, तो हमारे माइंड पर लोड कम हो जाता है, हमारा माइंड जो है वो थोड़ा सा कम लोड लेने लगता है। और जब वो कम लोड लेने लगता है उसके बाद जब हम उठते हैं, जब वो बाकायदा नींद पूरी हो जाती है, तो हम जब उठते हैं तो हम फ्रेश महसूस करते हैं कि हमारा जो है वो एनर्जी, हमारी एनर्जी जो लग रही थी वो एनर्जी अब स्टोर है, माइंड के पास इतनी क्षमता है कि वो 24 घंटे फिर से काम कर सके, इसके कारण से। अच्छा, सेम केस यहाँ पर योगा और ध्यान से भी होता है ना। यदि आप सोते हो तो सोते समय जाहिर सी बात है मस्तिष्क को आप आराम दे रहे होते हो, और योगा के टाइम मस्तिष्क को ट्रेंड कर रहे होते हो आप, ट्रेन ट्रेंड नहीं ट्रेन कर रहे होते हो, ट्रेन ट्रेन मतलब कि उसको आप सिखा रहे होते हो, आप उसको काम करना का तरीका, सही तरीके से काम करना। तो जब आप सोते हो तो मस्तिष्क को आराम देते हो आप, और यदि आप योग करते हो, एक्सरसाइज करते हो,
तो मस्तिष्क को ट्रेन कर रहे होते हो आप, उसको सिखा रहे होते हो कि सही एनर्जी का यूज आपको किस चीज में करना है। तो योगा करने से क्या होता है, आप फालतू की चीजें में आपका वेस्टेज होना, एनर्जी का वेस्ट, जो आपका माइंड माइंड मालूम जो अपना मस्तिष्क है उसमें भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे अपन बैटरी लगाते हैं तो बैटरी में वोल्टेज होता है ना, जैसे वो 9 वोल्ट की बैटरी आती है ब्लू और व्हाइट वाली, वो 9 वोल्ट की रहती है, वैसे हमारा दिमाग भी बिजली उत्पन्न करता है, वो पूरा काम बिजली पे ही चल रहा होता है ना। तो और हार्ट भी कई हद तक जो है वो, हार्ट क्या, सारे अंगों तक जो है ये विद्युत सिग्नल ही भेजता है, हमारा दिमाग जो है वो विद्युत सिग्नल भेज रहा होता है ना। तो वो विद्युत सिग्नल यदि हमको फेल हो जाते हैं तो हमारा बॉडी में से कोई सा भी अंग काम करना बंद कर देता है। उदाहरण के लिए एक बीमारी है, आप शायद सरोज खान को जानते होंगे, जो कोरियोग्राफर हैं बॉलीवुड की, बहुत फेमस डांस सिखाती हैं, माधुरी दीक्षित को भी उन्होंने डांस सिखाया था, उनकी क्लासेस भी आ चुकी है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है बॉलीवुड की। तो कल उनका निधन हो गया कार्डियक अरेस्ट से, आपने सुना होगा शायद, कल उनकी न्यूज आई थी कि वो डांस सिखाती है, डांस परफॉर्मर है, आपने बहुत बार देखा होगा उनको, नहीं देखा तो मैं आपको उनकी इमेज दिखाता हूँ, क्योंकि तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, बहुत फेमस पर्सनालिटी है। और उनसे ज्यादा, उनके बारे में जानने से ज्यादा जरूरी है आप ये जानो कि उनकी डेथ कैसे हुई है ना। तो मैं आपको ले जाता हूँ, गूगल पे, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं आपके सामने सरोज खान। ये थे सरोज खान, शायद आप जानते होंगे इनको, बॉलीवुड में डांस सिखाती थी, बहुत फेमस पर्सनालिटी थी, और यहाँ बहुत बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस को जो है इन्होंने डांस सिखाया हुआ है, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, बहुत फेमस पर्सनालिटी थी। तो कल इनका, इनकी जो है वो डेथ हो गई, काय से डेथ हुई, कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई इनकी, है ना। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ अब। ये कार्डियक अरेस्ट ऐसा लिखा जाता है, स्पेलिंग बताना चाह रहा था आपको, कार्डियक अरेस्ट। तो हार्ट से जुड़ी हुई दो मेजर बीमारी हैं, एक तो होता है ब्लॉकेज, एक होता है ब्लॉकेज, और दूसरा होता है कार्डियक अरेस्ट। तो जब ब्लॉकेज हो जाता है तो हार्ट क्या करता है, हमारा फेफड़ों से जो खून आता है उसको पंप करता है, प्रेशराइज करता है, और बॉडी के पूरे अंगों तक पहुंचा रहा होता है ना। तो कभी कभार क्या होता है, वो हार्ट में जो है वो हमारा, जब हम कुछ ज्यादा तला भुना खा लेते हैं तो हमारे खून में फैट की मात्रा ज्यादा हो जाती है ना, फैट ज्यादा हो जाता है, उस फैट के कारण से हमारी जो, जहाँ जिस नली में से खून बह रहा है उस नली में से जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है। मैं आपको एनिमेशन के माध्यम से समझाता हूँ, एनिमेशन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो एक तो होती है हार्ट ब्लॉकेज और एक होता है कार्डियक अरेस्ट। मैं आपके सामने अभी हार्ट ब्लॉकेज की बात कर रहा हूँ, ये देखो हमारा ये वाला जो सिस्टम है जहाँ ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, वो कुछ इस प्रकार से काम करता है हमारी बॉडी में। ये हार्ट बीच में रहता है और हम जो सांस लेते हैं वो फेफड़ों में जाती है पहले, और फेफड़ों के थ्रू वो जाती है फिर यही नलियों के थ्रू, इनको धमनी शिराएं बोलते हैं, धमनियों के थ्रू जो है वो जाती है हार्ट में, और फिर हार्ट जो है उसको पंप कर देता है, पूरी बॉडी में फैला देता है वो, और पूरी बॉडी तक जो है वो हमारा खून पहुंचाता है। और खून केवल, साथ में केवल खून नहीं बह रहा होता है, खून के साथ साथ बह रहे होते हैं पोषक तत्व जो हम खाने के द्वारा पचाते हैं ना, जो खाने में से प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं, वो खून के थ्रू ही पूरी बॉडी के अंगों तक पहुंचता है, और जिसके कारण से अंग जो है वो काम कर रहे होते हैं बिना कोई संकोच के, बिना कोई प्रॉब्लम के। अब होता क्या है, ये जो नली है, ये जैसे ये आर्टरी है, मतलब ये मान लीजिए धमनी है जिसमें से खून बह रहा है ना, पूरी बॉडी में फैली हुई, इन्होंने कितना, इतने एरिया ले लिया, देखो जांघ का इतना सा एरिया ले लिया है,
कि नली में से ऐसे खून बह रहा है, तो ये जो डॉट डॉट बह रहे हैं ये खून के कण है ना। लेकिन ये जो साइड में है ये क्या हो रहा है, जब हम ज्यादा तला भुना खाते हैं, ज्यादा फैट वाली चीज खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी के ये जो धमनियां होती हैं इसमें ये फैट जमा होते जाता है। ये जो येलोइश दिख रहा है आपको, ये फैट दिखाई दे रहा है आपको, और जब ये फैट जमा होते जाता है, ये फैट जमा होते जाता है, तो देखो एक एक टाइम ऐसा आता है कि ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से फ्लो हो रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरी तरह से बंद कर देगा इसको, है ना। ये देखो अभी ये ब्लड फ्लो हो रहा है, और मैंने आपको डायबिटीज की कंडीशन बताई। नॉर्मली ये देखो फैट आता है ना, ये फैट जमा हो जाता है, कैविटी जमा होती जाती है, ब्लड के साथ कैविटी आ रही है, मतलब कहाँ से, जो हमने खाया उसमें जो फैट निकला वो फैट कहाँ पर घुला हुआ है, ब्लड में घुला हुआ है, और वो शरीर में कहीं पर भी धमनी शिरा में, धमनी में या फिर शिरा में क्या हो सकता है, जमा हो सकता है। जमा होने के कारण से क्या कर देता है वो, ब्लड को फ्लो होने से रोक देगा, ब्लड जो है वो फ्लो नहीं होगा, उसमें ब्लॉकेज आ जाएगी, जिसके कारण से हमको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है ना। ये देखो ये फैट जमा होते जा रहा है, एक ही जगह पर जमा होते जा रहा है। उसके बाद यदि हम स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग मतलब कि क्या बोलते हैं, हम स्मोकिंग मतलब समझते हो ना, सिगरेट वगैरह लेते हैं, उसके कारण से जो है वो इसमें डैमेज होती है, ये भी उसके कारण से भी बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, और कई बार रक्त का थक्का भी जम जाता है। रक्त का थक्का मतलब कि हमारा खून जो है वो थक्का जमा लेता है यहाँ पर, जिसके कारण से ब्लॉक हो जाती है ये आर्टिलरी, है ना, आर्टरी है वो, आर्टरी बोलते हैं जिसको, धमनी शिरा को बोलते हैं। अब यही आर्टरी जो है जब हार्ट में होती है, और हार्ट में भी होती है यही धमनी शिरा, हार्ट में भी होती है, और ये आर्टरी जब हार्ट में ब्लॉक हो जाती है, जब वो फैट जो है वो हार्ट में जमा हो जाता है, तो हमें आता है हार्ट अटैक, तब हमें क्या आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है ना। और स्ट्रोक क्या होता है, जब यही यही चीज, यही धमनी शिरा यदि माइंड में ब्लॉकेज जाती है, यही फैट जो है वो माइंड में जमा हो जाता है, तो उस बीमारी को बोलते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक का नाम सुना होगा आपने, तो माइंड का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है ना, और जब एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है, चांसेस हैं व्यक्ति जो है हो सकता है कोमा में चला जाए, हो सकता है उसे पैरालिसिस हो जाए, हो सकता है कि वो अपने कई अपंग हो जाए, वो कोई सा अंग काम करना हमेशा के लिए बंद कर दे, है ना, हो सकता है सोचने वाला भाग बंद हो जाए, तो वो दिमाग से कुछ सोच ही नहीं पाए, है ना। कई सारी चीजें हो सकती हैं स्ट्रोक के दौरान, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, तो ब्लॉकेज इस तरह से होती है, हार्ट में हो जाए, कई जगह पर हो सकती है, जो कि मैंने आपको बताया है ना, वो ब्लॉकेज कहीं पर भी हो सकती है। अच्छा, हार्ट अटैक को ट्रीट कैसे किया जाता है उसको देख लो। ट्रीटमेंट के द्वारा स्टेंट का यूज किया जाता है, ये स्टेंट का वर्ड आप याद रख लीजिए, स्टेंट एक चीज होती है, वो कैसे काम कर रही होती है हार्ट अटैक में, वो इस वीडियो में देख लेते हैं अपन के हार्ट अटैक में क्या होता है और वो कैसे काम कर रही होती है। तो ये तो लाइव ऑपरेशन करके दिखा रहे हैं डालकर, इतना अपन को नहीं देखना है, अपन एनिमेशन के माध्यम से देखें तो ज्यादा अच्छा है। ये एनिमेशन है ना, घबराना नहीं, तुम सोचो सही में ये अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ये कहाँ पर, हार्ट में, ये फैट ऐसा जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाता है तो ये देखो ये उठ रही ना, ये कहाँ हो आप, नली के अंदर हो अभी, यहाँ पर ये जो रेड रेड दिख रही है ना, ये रक्त कोशिकाएं हैं, रक्त कणिकाएं, और नली के अंदर जब फैट जमा हो जाता है तो कुछ ऐसा बम्प सा उड़ जाता है, ऐसा गुठली सा उड़ जाता है, जब ये गुठली ऐसा उड़ जाता है तो ब्लड फ्लो होने में दिक्कत होने लगती है और आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है ना। अब होता क्या है, ये पूरा फैट जमा हो गया है ना, अब क्या करते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं इससे बचने के लिए, एक स्टेंट डालते हैं, स्टेंट मतलब एक स्प्रिंग जैसी डालते हैं, वो दिखाएंगे आपको, ये देखो ये ब्लड जो है वो जमा हो गए जिसमें बैक्टीरिया वगैरह, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा हाई लेवल का मामला है, इसलिए ये ब्लॉकेज देखो ऐसा हो जाता है, ये फैट जमा हो जाता है जिसके कारण से क्या हो जाती है, रक्त कोशिकाएं जा नहीं पाती हैं। इसके लिए क्या करते हैं, ये स्टेंट डाल देते हैं इसके अंदर, कैसे डालते हैं देखो, ये रियल रियल हार्ट की वो दिखा रहे हैं, रियल हार्ट की सर्जरी इन्होंने की होगी, अब एनिमेशन के माध्यम से दिखा रहे हैं ये कि स्टेंट देखो, ये स्टेंट के लिए एक पाइप जैसा डाला जाता है, यहाँ पर ये जो येलोइश भाग दिख रहा है ये धमनी शिराओं में फैट जमा हो जाता है, जिसके कारण से ये जगह कम बचती है ब्लड को फ्लो होने में, तो कभी भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर तो हाई हो ही रहा हो, है ना। तो ये जो ब्लैक कलर का वायर डालते हैं, ये पतला सा वायर रहता है, पहले ये डालते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद एक स्प्रिंग जैसी डालते हैं उसके अंदर,
ये स्प्रिंग जैसी इसके अंदर डाली और क्या करते हैं, अंदर जाके इसको खोल देते हैं। इसको जब खोलते हैं तो स्पेस बाकायदा पूरा बड़ा हो जाता है, ये पूरा फैल जाता है और आपका जो ब्लड होता है वो बाकायदा फिर से जो है वो उसमें से फ्लो होने लगता है ना। उस जो स्प्रिंग डाली हुई है उन्होंने, वो खुलने के बाद क्या हो जाती है, वहां से ब्लड फ्लो जो है वो बाकायदा जारी हो जाता है। तो ये ऑपरेशन के थ्रू किया जाता है, जब हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है तब ऐसा स्टेंट का ऑपरेशन किया जाता है, स्टेंट डाली जाती है। पहले ये स्टेंट बहुत ज्यादा महंगी आती थी, लेकिन अभी जो है वो सरकार ने इस पर ड्यूटी घटा दी है और बहुत सस्ती हो गई है, बहुत सस्ती तो नहीं लेकिन फिर भी महंगी है। तो इसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉकेज, है ना। हार्ट ब्लॉकेज में क्या हो जाता है, फैट जमा हो जाता है कहाँ पर, हमारी जो धमनियां होती हैं जो खून ले जा रही होती हैं वहां पर फैट जमा हो जाता है और ब्लड का फ्लो रुक जाता है। ब्लड का फ्लो रुक जाता है तो हार्ट, इसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉकेज हो जाना। कैसे सुधारते हैं, स्टेंट डाल देते हैं, स्प्रिंग डाल देते हैं, उसके अंदर तार के थ्रू स्प्रिंग डालते हैं और स्प्रिंग को खोल देते हैं, जिसके कारण से वो फैट जो है वो आजू आजू बाजू हो जाता है और ब्लड को फ्लो होने के लिए जगह मिल जाती है। वो स्टेंट हमेशा बनी रहती है बॉडी में ही रहती है, वो हमेशा हार्ट में ही डली हुई रहती है ना। तो वो स्टेंट के द्वारा दूर कर लिया जाता है। दूसरा जिसकी बात कर रहा था मैं, हार्ट की डिसीज जो बड़ी है उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, है ना, जो कि सरोज खान जी को हुआ कल। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट में मैंने जैसे आपको बताया कि मस्तिष्क जो है वो विद्युत सिग्नल भेज रहा होता है कहाँ पर, सभी अंगों तक, है ना, विद्युत सिग्नल भेज रहा होता है। कार्डियक अरेस्ट में वो विद्युत सिग्नल बाधित हो जाते हैं, वो विद्युत सिग्नल माइंड जो है वो भेजना बंद कर देता है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि हमारा कार्डियक अरेस्ट में जो हमारा हृदय होता है, जो हार्ट होता है, वो इलेक्ट्रिकली फेल हो जाता है। वो दो तरह से काम, इलेक्ट्रिकल भी काम कर रहा है, वो मैकेनिकल भी काम कर रहा है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली फेल हो जाता है, माइंड सिग्नल नहीं भेज पा रहा होता है हार्ट को, और उस कंडीशन में हार्ट जो है वो पंप करना बंद कर देता है। उसी को बोलते हैं हम कार्डियक अरेस्ट। मतलब इसमें ब्लॉकेज नहीं थी आपके कुछ भी, लेकिन माइंड ने ही सिग्नल भेजना बंद कर दिए और हार्ट ने क्या कर दिया, पंप करना बंद कर दिया और आपका हार्ट रुक जाएगा। और यदि आपको कृत्रिम रूप से हार्ट के लिए कुछ और ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आपकी कार्डियक अरेस्ट के कारण से कुछ मिनटों में ही मौत हो जाएगी, है ना। कुछ फेमस पर्सनालिटी जिन्होंने कार्डियक अरेस्ट से जिनकी मृत्यु हुई, उनमें है एपीजे अब्दुल कलाम जी, है ना, उनकी मृत्यु हुई थी कार्डियक अरेस्ट के कारण से। इसके अलावा जैसे कर सरोज खान जी का हुई, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो गई। तो मेरे ख्याल से आपको हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में अंतर समझ में आ गया होगा, है ना। तो अपन यहाँ पर कहाँ तक, यहाँ ये वाली बात कहाँ कहाँ से शुरू करी थी अपन ने, कहाँ पहुंच गए अपन, बुक पर आ जाते हैं वापस। उपचार के नियम देख रहे थे हम, है ना। तो मैं बात कर रहा था हम सोने के बाद अच्छा अनुभव क्यों करते हैं, दिमाग के कारण से, दिमाग को रेस्ट मिल जाता है। उपचार में दवाई का उपयोग कब करते हैं, तो जाहिर सी बात है मैंने आपको कल भी बताया था, जब लक्षण बहुत ज्यादा होंगे और कोई रोग होगा हमको तब हम दवाई का उपयोग करते हैं। अगर एकाध भी लक्षण होगा तो हम कोशिश करते हैं डॉक्टर के पास ना जाएं, दवाई लेने की जरूरत ना पड़े हमको, है ना। अब तक के ज्ञान के आधार पर ऐसा लगता है कि संक्रामक रोग के उपचार के दो उपाय हैं, एक तो यह है कि रोग के प्रभाव को कम कर दें और दूसरा ये है कि रोग के कारण को समाप्त कर दें। तो ये आप इसका कोरोना के विषय में भी इसको रिलेट कर सकते हो। अब तक हमने आधार के ये सीखा कि पहली बात तो हम रोग के प्रभाव को कम कर दें, तो जो लॉकडाउन किया गया था वो इसलिए किया गया था कि इसका प्रभाव कम हो जाए, है ना, और दूसरा रोग के कारण को ही समाप्त कर दें। रोग के कारण मतलब जो जिस वायरस से हो रहा है उसको ही नष्ट कर दें। तो लोगों को क्या कर रहा था, पहले आइसोलेट किया गया, मतलब जिन जो बच्चे जो लोग बीमार थे, जो व्यक्ति बीमार थे कोरोना से, उनको पहले अलग किया गया और उनको जो है वो खत्म करने के लिए, उसके रोग को खत्म करने के लिए, उस रोग को फैलने के लिए लॉकडाउन कर दिया गया और उनको ट्रीटमेंट करके उपाय, ये कॉमन सा फैक्टर है, इसको दिमाग में रखना चाहिए। पहले उपाय के लिए हम ऐसा उपचार करते हैं जिससे लक्षण कम हो जाते हैं। लक्षण प्राय शोथ के कारण होते हैं, इन्फ्लेमेशन के कारण से होते हैं, बोलते हैं ना जो इन्फेक्शन हो जाना उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन के कारण से होते हैं। उदाहरण के लिए हम बुखार, दर्द या दस्त को कम करने के लिए दवाई का उपयोग करते हैं, या हम आराम करके ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य करने में सहायक होगी, है ना। तो ये अपन को माइंड वही बात हो जाती है, यदि हम सो जाते हैं तो हमारी ऊर्जा जो एनर्जी काम करने में वेस्ट हो रही है, उस ऊर्जा का हम संरक्षण कर लेंगे और वो ऊर्जा कहाँ काम आ जाएगी, हमारी बॉडी को पेन से मुक्त करने के लिए, जो रोग हो गया उससे रिलीव करने के काम आ जाएगी। बढ़िया। फिर
उसके बाद लेकिन इस प्रकार के लक्षण आधारित उपचार स्वयं में ये तो छोड़ो, सूक्ष्म जीवों को कैसे मारते हैं, है ना। सूक्ष्म जीव मतलब वही आपके जम्स को कैसे मारते हैं। सूक्ष्म जीव को मारने की एक विधि है औषधियों का उपयोग करना। हम पहले ही पढ़ चुके हैं सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार में आते हैं। ये वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई अथवा प्रोटोजोआ हो सकते हैं। इन चारों के बारे में आप अपन चर्चा कर चुके हैं, देख चुके हो आप कैसे दिखते हैं ये जीवों के। प्रत्येक वर्ग में कुछ आवश्यक जैव रासायनिक अवजैव प्रक्रियाएं होती हैं जो इस वर्ग के लिए विशिष्ट होंगी और अन्य वर्गों में नहीं होंगी। ये प्रक्रियाएं नए पदार्थ बनाने के कारण विभिन्न चरण अथवा श्वसन हो सकती है। मतलब जाहिर सी बात है ये चारों ही चीज जो आपने सूक्ष्म जीव के बारे में देखा, इनकी अपने आप अपनी अपनी एक संरचना होती है। संरचना मतलब कि इनकी एक बॉडी होती है, उसके अंदर कोई चीज कैसे काम कर, जैसे हम सांस लेते हैं ना, हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं और अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, वैसे ये सूक्ष्म जीव भी सांस लेते हैं। इनके बीच में भी खाना भी खाना पड़ता है इनको, और साथ साथ जो है वो उत्सर्जन भी करते हैं। तो डॉक्टर को पता होना चाहिए वो बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी में खाना कहाँ से ले रहा है, उत्सर्जित क्या कौन सा पदार्थ कर रहा है। क्यों? क्योंकि यदि हम उसकी बॉडी को आसानी से जान पाएंगे तभी तो हम उसकी बॉडी को नष्ट करने के लिए दवाई बना सकते हैं, है ना। तो हमको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको मैंने कोरोना के बारे में बताया था, इसकी जो आउटर लेयर होती है वो लिपिड की बनी हुई होती है। अगर डॉक्टर को इसके बारे में पता ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो इसको मारने के लिए दवाई कैसे बना सकते, नहीं बना सकते, है ना। इस यही बात यहाँ पर बोली हुई है उन्होंने। इन मार्गों का उपयोग हम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए हमारी कोशिकाएं ऐसे प्रक्रम से नए पदार्थ बनाती है जो बैक्टीरिया के प्रक्रम से भिन्न हो। हमें ऐसी औषधि का उपयोग करना है जो शरीर को प्रभावित किए बिना ही बैक्टीरिया के संश्लेषी मार्ग को रोक सके, ऐसा एंटीबायोटिक से संभव है। इसी प्रकार कुछ ऐसी औषधियां हैं जो मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ को मारती है, है ना। और वो मलेरिया के परजीवी को जो मारने वाली औषधि है उसको आप कुनेन बोल सकते हो। कुनेन का एक वृक्ष होता है, उसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं कुनेन। यहाँ पर एक बात ध्यान रहे, ये कुनेन वाला कुनेन नहीं है जो आप नेप्थेलिन बॉल्स को बोलते थे अभी तक, वो कुनेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो कुनेन की बात हो ही नहीं रही है, उसको कुनेन बोलना भी नहीं चाहिए, वो गलत बोल रहे हैं अपन। उसको फिनेप्थिलीन बॉल बोलते हैं जो कपड़ों में रखी जाती है व्हाइट कलर की। कुनेन एक प्रकार का वृक्ष है, सिनकोना नाम का एक वृक्ष होता है जिससे ये कुनेन नाम की जो दवाई जो है वो निकाली जाती है, वो मलेरिया के परजीवी को मारने के लिए जिम्मेदार। और ऐसे ही जो है वो जो बैक्टीरिया से रोग होते हैं, जो बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से जो रोग होते हैं उनको मारने के लिए एंटीवायरल एंटीबायोटिक ड्रग लिया जाता है, है ना। एंटीबायोटिक ड्रग क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं और हमारे दूसरे अंगों पर बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं, तो वो एंटीबैक्टीरियल ड्रग होते हैं, है ना। और एंटीवायरल नहीं बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रहे, एंटीवायरल वायरस के लिए होते हैं। अब बात करते हैं एंटीवायरल की। तो एंटीवायरल क्या होते हैं, एंटीवायरल औषधि बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि बनाने की अपेक्षा कठिन है, साफ लिखा हुआ है ना। एंटीवायरल मतलब वायरस को मारने के लिए औषधि बनाना, एंटीबैक्टीरियल औषधि बनाने से कठिन है। एंटीबैक्टीरियल आसान है औषधि बनाना, लेकिन एंटीबैक्टीरियल मतलब कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए, जबकि वायरल किसको किल करता है, वायरस को किल करता है। तो कोरोना क्या है, वायरस, इसकी औषधि बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि बनाने से ज्यादा कठिन है। इसका कारण है बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ यह है कि आक्रमण करने के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्षण होते हैं। इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियां भी उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए HIV संक्रमण को नियंत्रित करने की औषधि, HIV वायरस को नियंत्रित करने की औषधि आई है, इसको खत्म करने की औषधि नहीं आई हुई है, है ना। तो आपसे यही बोल रहे हैं वो, ये वाले पॉइंट में यही बोलना चाह रहे हैं कि जो एंटी बैक्टीरियल दवाई तो आसान हो जाती है लेकिन एंटीवायरल बनाना बहुत टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वायरस होता है ना, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस यदि बाहर हमारे शरीर के बाहर कहीं पड़ा हुआ, यदि आपके चेहरे पर भी है वो, यदि है ना, तो वो जिंदा नहीं होगा ना, वो वृद्धि कर रहा होगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। यदि आपकी टेबल पर या आपके घर में कोरोना वायरस हो सकता हो कहीं सूक्ष्म जीव के रूप में पड़ा हुआ हो, तो वो अपना डबलिंग नहीं कर सकता, अपने समान और कोरोना वायरस बना ही नहीं सकता, वो जिंदा होगा ही नहीं, वो मरी हुई अवस्था में होगा। लेकिन किसी कारण से वो नीचे वाली चीज जो है वो आपकी बॉडी में इंटर कर जाती है ना। कैसे इंटर कर सकती है, कई माध्यमों से इंटर कर सकती है, जैसे खाने की कोई चीज नीचे गिरी
और आपने उसको गिरी हुई चीज को उठा के खा लिया, हो सकता है वो वायरस जो है वो उसमें लग गया, क्योंकि बहुत छोटा है वो, बहुत छोटा है और चीजों से बहुत जल्दी चिपक जाता है ना। तो वो चीज जो है वो खाने की चीज नीचे गिरी और आपने उसको खा लिया, तो वो कोरोना वायरस क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। जैसे ही बॉडी में एंटर करता है फिर वो वायरस एक्टिव हो जाता है। अभी तक जब तक बॉडी के बाहर था, जब तक वो कोई काम नहीं करता है ना, अपने समान वायरस उत्पन्न करता है वो। जैसे हमारी बॉडी में एंटर करा उसने, वैसे वो अपना काम करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे जो है वो हमारी बॉडी से ही जो है वो चीजों को निकालता है, खुद खाता है अपने को, और अपनी वृद्धि करने लगता है, वायरस की वृद्धि करने लगता है। तो वायरस यदि बाहर है तो कोई दिक्कत। अच्छा, जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी खासियत क्या है, वो अपने आप में अलग थलग है। वो बैक्टीरिया अगर बाहर है तो भी जिंदा रहेंगे, है ना, और हमारी बॉडी में तो भी जिंदा रहेंगे। मतलब वो सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हम पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, हमसे सामान नहीं ले रहे होते। तो दवाइयों के कारण से बैक्टीरिया को मारना आसान हो जाता है, उसको आसानी से किल कर सकते हैं। लेकिन वायरस जो है वो हमारी चीजों से बना रहा होता है, वो हमारी चीज हमारे बॉडी में उपस्थित चीजों को उपयोग करके जो है वो फल फूल रहा होता है। इसी के कारण से हमारे अंदर की जो चीजें हैं वो अगर हम उसको खत्म करने के लिए एक दवाई बना लेते हैं, तो हमारे अंदर की जो सही अच्छी चीजें हैं, हमारी बॉडी की जो अच्छी चीजें, वो भी नष्ट हो सकती है। मतलब साइड इफेक्ट हो सकता है हमको दवाई बनाने का। इसीलिए एंटीवायरल जो औषधि रहती है उनको बनाने में ज्यादा दिक्कत जाती है बजाय एंटीबैक्टीरियल के। तो दोनों की दवाई है, इसलिए कोरोना की दवाई बनाने में इतना टाइम भी लग रहा है। अगला हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आप एक बार फिर से ज्वाइन करिए, अभी का टाइम खत्म हो रहा है, एक बार फिर से ज्वाइन करिए सभी लोग।